नमस्कार, मैं हूं नवीन आनंद। आप देख रहे हैं न्यूज आज। प्रदेश सरकार और प्रशासन की रोक के बावजूद रेत का अवैध कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इस मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। रेत माफिया डबरा विकास खंड के अधीन इलाकों से रेत का अवैध उत्खनन कर दूसरे राज्यों में परिवहन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। डबरा विकास खंड के सिली सिलेटा, पुट्टी कुम्हारा, हथनोरा, वारकरी, भरोली, बाबूपुर, लिधोरा में बिना अनुमति के अवैध उत्खनन हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से रेत का अवैध कारोबार अपने पैर पसार रहा है। रेत की अवैध तस्करी पिछोर थाना और गिजोरा थाना इलाके से होकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक परिवहन की जाती है। पिछोर थाना के अंतर्गत भरोली गांव में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत माफिया जगह जगह रेत डंप कर धौलपुर, आगरा समेत अन्य शहरों में रेत सप्लाई कर रहे हैं। रेत माफिया 25 से 35 फीट गहरे गड्ढे कर रेत का उत्खनन कर रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। सिंध नदी पर बाबूपुर लिधोरा खदान पर पनडुब्बी से उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। जनसुनवाई में आवेदन आया है, तो देखते हुए थाने को बताया गया है कि किस स्तर पर उन्होंने उनके साथ ऐसा करने का प्रयास किया है। जांच उपरांती अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी, तभी आगे आपको बताएंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।